Today, I will be discuss about a next method of Spearman rank correlation coefficient, जो उनका next method है और बहुत important है आपके examination point of view से। इससे पहले हमने दो method discuss किए, ठीक है। एक था आपका जब आपके question में ranks given दिए होते थे, दूसरा था आपका then आपके जो question में जो rank है वो given ना हो, है ना, और non-repeated आपके पास जो data हो, ठीक है। तो ये आपका बहुत important topic है। तो यहाँ पे बच्चों आपको बोला गया है, व्हेन इक्वल रैंक्स आर गिवन टू मोर देन टू एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी जो आपका डेटा है, ठीक है, उसमें जो रैंक है वो मतलब सेम रैंक दिए हुए हैं, है ना, इक्वल रैंक आपको रिपीटेड फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जब इक्वल रैंक होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन प्रीवियस टाइप व्हेन द रैंक्स आर गिवन और व्हेन द रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन में आपकी कंडीशन थी कि नॉन रिपीटेड डाटा इन बोथ द सीरीज एक्स एंड वाई, ठीक है। जो एक्स और वाई आपके पास गिवन डाटा है वो आपका नॉन रिपीटेड होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर डाटा जो है वो अलग अलग फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। तो हम यूज़ करते थे, वी यूज़ ओनली फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम इन दोनों केस में यूज़ करते थे। तो r इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। हम भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, है ना। नाउ बट इन दिस टाइप ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, बट इस टाइप में हम क्या करेंगे, वी एड द फैक्टर m m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, ये जो समेशन ऑफ डी स्क्वेयर है इसमें हम ऐड करेंगे इस वाले फैक्टर को। क्यों ऐड करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। वेयर जो m है आपका वो क्या है, जो m है इज़ द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम इज़ रिपीटेड, ठीक है। जो m है वो शो कर रहा है कि जो एक डाटा है आपका, ठीक है, यानी जो एक आइटम है वो कितनी बार आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। दिस कोरिलेशन फैक्टर इज टू बी एडिड फॉर ईच रिपीटेड वैल्यू इन बोथ द सीरीज, ठीक है। ये जो आपका कोरिलेशन फैक्टर है, ठीक है, यानी ये जो फैक्टर है आपका, ठीक है, ये आपने ऐड करना है। मान लो आपके x में आपके पास एक जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, y में आपके पास दो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आपने हर केस में जो है ये आपने जो फैक्टर है इसको ऐड करना है कहाँ पे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर में, ठीक है, ठीक है। नाउ अ मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर टाई, यानी टाई का मतलब है कि एक ही आपका जो डाटा है वो दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अ मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर टाई रैंक कोरिलेशन कोफिशेंट इज गिवन बाय, तो हमने बोला था कि आपका जो समेशन ऑफ डी स्क्वेयर है उसमें आपने ऐड करना ये फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, बाकी आपकी जो टर्म है वो सेम है। फिर r इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम समेशन ऑफ डी स्क्वेयर में जब हमने ये डाटा रिपीट किया यानी ऐड किया तो ये हो गया 1 अपॉन 12। अब यहाँ पे क्या था बच्चों आपके पास, ये था आपके पास m m स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, जो m है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, ये हो गया m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1 बाय 12 m2 क्यूब माइनस m2, ठीक है, और प्लस ऑन डिवाइड बाय n n स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। वेयर जो m1 और m2 है वो आपका शो कर रहा है प्लस ऑन आर द नंबर ऑफ टाइम वैल्यू इज रिपीटेड, ठीक है, ये आपका शो कर रहा है कि कितनी बार जो है आपकी जो वैल्यू है वो रिपीटेड है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द असाइन रैंक, जब आप जो रैंक है वो असाइन करोगे, ठीक है, ऑन बोथ द सीरीज एक्स एंड वाई बाय गिविंग द फर्स्ट रैंक, यानी जो फर्स्ट रैंक आप दोगे यहाँ पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें। तो जो आप फर्स्ट रैंक यहाँ पे दोगे इस वाले मेथड में जहाँ पे आपके जो डाटा है वो टाई हो रहा है यानी दो बार रिपीट हो रहा है एक्स एक्स एक, यानी एक्स और वाई ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो जो फर्स्ट रैंक आप यहाँ पे दोगे वो दोगे लोएस्ट वैल्यू को, किसको दोगे, लोएस्ट वैल्यू, यानी जो आपका गिवन डाटा है उसमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको आप फर्स्ट रैंक दोगे इन बोथ द सीरीज, ठीक है, दोनों सीरीज में आपने ऐसे करना है, है ना। इससे पहले वाला जो हमने मेथड पढ़ा था वहाँ पे जो फर्स्ट रैंक आपने दिया था वो दिया था आपने हायर वैल्यू को, जो सबसे हाई है, है ना, बट इस मेथड में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट रैंक दोगे वो दोगे सबसे लोएस्ट को, ठीक है, इन बोथ द सीरीज एंड एंड द थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड रैंक फॉर हायर वैल्यू इन बोथ द सीरीज।
उसके बाद जो सेकंड और थर्ड रैंक आप दोगे वो उससे हायर वैल्यू यानी उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। उसको आप थर्ड और फोर्थ रैंक सॉरी सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी रैंक है उसको आप वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो समझने वाली बात सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक देंगे आप वो दोगे आप किसको, लोएस्ट वैल्यू को, क्लियर है। और जो आपकी आर की वैल्यू है वो लाइक करती है, आपको पता है कि -1:1, है ना। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यानी स्मॉल आर कैपिटल आर रो जिसके साथ भी आप डिनोट करना चाहें उसकी जो वैल्यू है वो आपकी -1:1 के बीच में होनी चाहिए। तो चलो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या है एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी का ही। तो एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे आपके पास फॉर द फॉलोइंग टेबल, जो आपके पास टेबल यहाँ पे बना हुआ है कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो आपके पास गिवन डाटा दिया गया है उसमें आपने क्या करना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन डाटा आपको x एंड y वेरिएबल में दिया गया है, तो x आपका 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 एंड 57, ठीक है। y आपका 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 एंड 19, ठीक है। अब यहाँ पे x में आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो 16 है वो तीन बार रिपीट है, ठीक है, यानी a की वैल्यू तीन बार रिपीटेड है। y में आप देख रहे होंगे तो 13 रिपीटेड है और साथ में 6 रिपीटेड है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो n है वो कितना है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 10। तो आपने ऐसे करके टेबल बनाना है, ठीक है, जहाँ पे एक तरफ आपने x लिखना है, दूसरी तरफ आपने y लिखना है, तीसरी जो कॉलम है उसमें आपने रैंक ऑफ x, रैंक ऑफ y यानी r1, r2, जैसे अभी तक हम जो हमने दो मेथड पढ़े, ठीक है, उनमें भी हमने ऐसे ही किया था। तो डिफरेंस r1 - r2 और d2 ये हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो देखो x की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो y की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो आपके पास गिवन डेटा दिया था, है ना, यही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे रैंक असाइन करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है x का रैंक, सेकंड है y का रैंक यानी r1 एंड r2। कंडीशन है आपको यहाँ पे बोला गया था कि जो सबसे लोएस्ट है उसको आपने फर्स्ट रैंक देना है, उससे हाईएस्ट को आपने सेकंड रैंक देना है, ऐसे करते करते जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको 10th रैंक देना है, यानी यहाँ पे 10th रैंक होगा और वहाँ पे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसी हिसाब से जो लास्ट वाली टर्म होगी उसको आपने लास्ट रैंक देना है, ओके। तो यहाँ पे आप x में देख रहे होंगे कि सबसे छोटा कौन है, 9 है, कौन है 9। तो देखो 9 को हमने क्या दिया बच्चों, फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब 9 के बाद 9 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 9 से बड़ा है 16, 16 एंड 16, तीन बार रिपीट है। और एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, कि जितने भी आप रैंक दोगे यानी यहाँ पे देखो टोटल n की वैल्यू है 10, तो रैंक भी आपका 10 ही बनना चाहिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ रैंक आपके कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट रैंक आपने 9 को दे दिया यानी सबसे छोटा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक के लिए आपके पास एक ही डाटा आ रहा है 16, 16 एंड 16, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। आपको चाहिए तीन रैंक, ठीक है। तो तीन रैंक आप कैसे दोगे, देखो सेकंड, थर्ड यानी 1, 2 और 3, तीन वैल्यू रिपीट हो रही है। आपने फर्स्ट रैंक दिया है, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक चाहिए। तो आप देखो क्या करोगे, अभी हमने लिखा हुआ है आपको समझा रहे हैं, ठीक है, यानी तीन वैल्यू रिपीट है, आपको रैंक चाहिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो जैसे एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीन नंबर यहाँ पे, तो तीन के साथ आपने क्या करना है यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 6 और 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 3। तो जो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 के आगे 3, 16 के आगे 3 और 16 के आगे 3, क्लियर है। अब देखो हमारे पास रैंक हो गया, हमें कौन कौन से रैंक चाहिए थे, फर्स्ट रैंक हमने गिवन दे दिया था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक दे दिया। अब जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी यानी जो 16 से बड़ी होगी, है ना, उसको आपने क्या करना है, फिफ्थ रैंक देना है, ठीक है। 16 से बड़ी होगी यानी 4 रैंक तो आपका हो गया, आपको चाहिए फिफ्थ रैंक। तो फिफ्थ रैंक आपने जो 16 से बड़ी वाली टर्म होगी उसको आपने फिफ्थ रैंक देना है, क्लियर है। सिर्फ यही बात यहाँ पे समझने के लिए है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो देखो 16 के बाद यहाँ पे जो 16 से बड़ी टर्म है वो क्या है, 24। तो 24 को हमने क्या दिया, फिफ्थ रैंक, ठीक है।
अब 24 के बाद देखेंगे तो हमारे पास है 33, तो 33 को हमने क्या दिया, सिक्स रैंक। उसके बाद 40 है, सेवन्थ रैंक। उसके बाद 48 है, एट्थ रैंक। उसके बाद 57 है तो नाइन्थ रैंक, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, है ना। और यहाँ पे 65 है तो उसको हमने 10th रैंक दिया। क्लियर है? अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो इन एक्स सीरीज, यानी एक्स जो सीरीज थी आपकी, इसमें हमने नोटिस किया, यानी नोट किया, जो 16 है इज रिपीटेड है थ्राइस, यानी तीन टाइम जो है वो 16 जो है वो रिपीटेड है। द कॉमन रैंक गिवन टू द वैल्यू इज द एवरेज ऑफ, ठीक है, जो अब इन तीनों के लिए एक ही रैंक आएगा, कॉमन रैंक है ना, इज द एवरेज ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्योंकि ये आपके रैंक हैं सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसकी आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो 2, 3 + 4 एंड डिवाइडेड बाई 3 = 9/3 = 3, तो जो आपका रैंक आएगा 16 में वो कितना आ जाएगा, 3। नाउ द नेक्स्ट रैंक गिवन टू द नेक्स्ट वैल्यू 5, ठीक है, तो जो आपने नेक्स्ट रैंक देना है वो आपने कौन सा देना है, नेक्स्ट वैल्यू को 5th रैंक देना है। कौन सा रैंक देना है, 5th रैंक, है ना। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक रिपीटेड वैल्यू है 16, तो हमें M1 यहाँ पे जो फॉर्मूला था वहाँ पे क्या शो कर रहा था, वो आपका शो कर रहा था रिपीटेड वैल्यू। तो जो M1 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी 16 जो है तीन टाइम रिपीटेड था, तो M1 = 3। ठीक है, अब वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो देखो बच्चों Y, तो Y का जो डाटा है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास देखो 13 भी है और कौन सा है 6, ये भी रिपीटेड है, यानी दो वैल्यू है जो हमारे पास दो बार रिपीटेड है। क्लियर है? तो Y में आप देखोगे सबसे लोएस्ट, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 4 को हमने कौन सा रैंक दिया, 4 को दिया हमने 1st रैंक। ठीक है, अब 4 से बड़ा देखो यहाँ पे कौन है, 6 है। बट 6 क्या है, यहाँ पे दो बार रिपीटेड है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 1st रैंक तो आपने बच्चों यहाँ पे दे दिया। अब 2nd और 3rd रैंक के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से आप एवरेज निकालोगे किसका, आपको चाहिए 2nd रैंक और 3rd रैंक, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2.2। यानी जो 6 है उस पर जो रैंक आएगा आपका वो कितना आएगा, 2.5। ठीक है, तो 6 पे आपके पास रैंक आएगा 2.5, और आपको पता है कि हमने 2nd और 3rd रैंक फाइंड आउट किया है ना। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको हम कौन सा रैंक देंगे, 4th रैंक, यानी 6 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम 4th रैंक देंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे ये 6 था तो यहाँ पे कितना आ गया, 2.5, यहाँ पे 6 था तो इसके सामने कितना आ गया, 2.5। क्लियर है? अब इसके बाद देखो 6 के बाद जो उससे बड़ी टर्म है वो क्या है, 9। तो 9 के आगे देखो हमने क्या दिया, 4th रैंक, क्योंकि हमने 2nd और 3rd रैंक का एवरेज फाइंड आउट किया और उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया था। तो जो आपका नेक्स्ट था 6 से बड़ा 9, तो 9 को हमने 4th रैंक दिया। ठीक है, अब देखो 5th रैंक देना है अपने, तो 9 से बड़ा यहाँ पे कौन है, 9 से बड़ा है यहाँ पे 13। 4 रैंक तक आपने दे दिया है, अब आपको 13 यहाँ पे देखो दो बार रिपीट हो रहा है, तो 4th रैंक दे दिया है। ठीक है, आपको चाहिए 5th और 6th रैंक। तो आप यहाँ पे बच्चों क्या करोगे, जो रैंक चाहिए आप उसकी एवरेज फाइंड आउट करोगे, है ना। तो 5th यानी 5 + 6 / 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11/2, और ये कितना हो जाएगा, 5.5। यानी जहाँ जहाँ पे 13 है उसको आप रैंक कितना दोगे, 5.5। ठीक है, अब ये आपका 5th और 6th रैंक हो गया। क्लियर है? तो जो आप नेक्स्ट यानी 13 से जो बड़ी टर्म होगी, ठीक है, उसको आप कौन सा रैंक दोगे, 7th रैंक दोगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 और 13, तो यहाँ पे 5.5 एंड 5.5। ठीक है, अब 13 से बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 को हमने नेक्स्ट रैंक दिया यानी 7, क्योंकि हमने 5th और 6th रैंक तो यहाँ पे ये दे दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे 15 को कितना जाएगा, 7th रैंक। उसके बाद 15 से बड़ा कौन है बच्चों, ये है 19 को हमने 8th रैंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद 20 को हमने 9th रैंक दे दिया, और यहाँ पे 24 है उसको हमने 10th रैंक दे दिया। क्लियर है? ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन है उसको बेझिझक आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे कि 13 और 16 को हमने कैसे राइट डाउन किया है। आपने क्वेश्चन में वैसे ही इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है,
इन द वाई सीरीज, जो वाई सीरीज है यहाँ पे हमारे पास द वैल्यू 6 एंड 13 आर रिपीटेड ट्वाइस, जो 6 और 13 था वो रिपीट कर रहा था दो बार, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 6 अकर ट्वाइस एंड द एवरेज ऑफ 3 एंड 2 एंड 3 इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5/2 एंड 2.5, यानी जो आपका सेकेंड और थर्ड रैंक था उसकी जो हमने एवरेज फाइंड आउट की तो वो कितनी आई हमारे पास 2.5, ठीक है। द नेक्स्ट वैल्यू 9 इज असाइंड द नेक्स्ट रैंक 4th, यानी सेकेंड और थर्ड रैंक तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्योंकि वो इक्वल था, क्यों 6 इज ट्वाइस यानी दो बार रिपीट हो रहा था, तो जो 9 है उसको हमने क्या करना है नेक्स्ट रैंक देना है, तो कौन सा रैंक देना है 4th रैंक। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो M2 है वो कितना है इक्वल टू 2, M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, क्लियर है। वैसे ही अगेन द वैल्यू 13 इज रिपीटेड ट्वाइस एट द डिफरेंट प्लेस, ठीक है, जो 13 है वो फिर से रिपीट हो रहा है दो बार, ठीक है, बट डिफरेंट प्लेस में रिपीट हो रहा है, तो द एवरेज वैल्यू इज, जो आपका 5th और 6th रैंक है ना उनकी हमने एवरेज फाइंड आउट की, तो 5+6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जितनी वैल्यू है उसके साथ ही हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। आपको पता है मीन और एवरेज एक ही बात होती है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो ये हो गया 11/2 इक्वल टू 5.5। अब जहाँ पे 13 था वहाँ पे हमने देखो यहाँ पे शो किया था 5.5, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट वैल्यू 15, जो आपकी 13 से बड़ी थी 15, आप देख सकते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है 15 को हमने असाइन करना है नेक्स्ट रैंक यानी 7, 5th रैंक और 7th रैंक हमने दे दिया था, तो 15 को आपने करना है 7th रैंक देना है, ठीक है, तो वही किया है। हियर M3 इक्वल टू कितना है 2, M1 M2 और M3 ये हमें वैल्यू पता लग गई, क्लियर है। फिर से हम टेबल पे जाते हैं, तो बच्चों इतना समझ आने के बाद अब आपको पता है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं R1 - R2, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 8 - 5.2 कितना आ जाएगा 2.5, वैसे 6 - 5.2 इक्वल टू 0.5, वैसे आप करोगे तो यहाँ पे -3 - 1.5 - 4 - 2 - 1 - 0 - 0.5 एंड 1 यही आएगा। अब देखो जो आपके पास डिफरेंस आया आपने क्या करना है इसका स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, तो देखो 2.5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 6.25, 0.5 का स्क्वेयर हो जाएगा 0.25, 3 का स्क्वेयर 9, 1.5 का स्क्वेयर 2.25, 4 का स्क्वेयर 16, 2 का स्क्वेयर 4, 1 का 1, 1 का 1, 0.5 का स्क्वेयर 0.25 और 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, क्लियर है। और आपको क्या चाहिए बच्चों, समेशन ऑफ डी स्क्वेयर, जो आपके पास फॉर्मूला है ना, तो समेशन ऑफ डी स्क्वेयर जैसे आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 41, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था, ठीक है, यानी इस वाले जो मेथड का जो फॉर्मूला था उसमें हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम देखते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला था, द रैंक कोरिलेशन इज आर इक्वल टू 1 - 6 टाइम, दिस इज हमने ऐड किया था समेशन ऑफ डी स्क्वेयर में ये वाली वैल्यू, है ना, तो यहाँ पे समेशन ऑफ डी स्क्वेयर प्लस M1 - M2 - 12 + M3 - M2 - 12, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा था वहाँ पे हमारे पास जो 3 ही वैल्यू थी वो रिपीटेड थी, ठीक है, तो यहाँ पे M3 तक आया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो 4 वैल्यू है वो रिपीटेड होती तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था फिर से M4, क्लियर है। तो हमें पता है कि M1 की वैल्यू 3 है, 2 की 2 है, M3 की वैल्यू 2 है, ये सारी वैल्यू हम जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1 - 6 टाइम, यहाँ पे हमने समेशन ऑफ डी स्क्वेयर फाइंड आउट किया था तो 41 प्लस M1 की वैल्यू 3 है, इसको हमने सॉल्व किया 3 का क्यूब कितना होता है 27 - 3 / 12 प्लस यहाँ पे 8 - 2 / 12, यानी M2 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट की और 2 का क्यूब कितना होता है 8, अगेन 2 का क्यूब कितना होता है 8 - 2 / 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वेयर कितना होता है 100 - 1, ठीक है, 10 का स्क्वेयर कितना होता है 100 - 1। जब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज 1 - 6 टाइम ये 41, ठीक है, इसको 24/12, 6/12 एंड 6/12 कैंसिल किया तो हमारे पास 2, यहाँ पे 1/2 एंड 1/2, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2.5, 1.2 को जब हमने डिवाइड किया तो 0.5 प्लस 0.5 है ना, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 990 यानी 990 आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 - 6 और ये हो जाएगा कितना 44/990, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 264/990, इन दोनों को जब डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ कैलसी, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से जब हमने इनको डिवाइड किया तो ये हो गया 1 - 0.25,
इससे इसको माइनस किया तो ये हो गया 0.73। तो ये क्या है बच्चों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं, ठीक है, आप ट्राई करोगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो ऑफ कमेंट सेक्शन पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही जो आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छी जो हम आपसे अच्छे अच्छे टॉपिक लाते हैं, ठीक है, उनको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।